हिंदुस्तान में आयुर्वेद को लेकर नए प्रयोग हों, आयुर्वेद जन जन तक पहुंचे, इसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी पहल हुई और एक नया विधेयक पारित किया गया। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा में आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पर मुहर लगी तो इसके साथ ही प्राचीन इलाज पद्धति को लेकर देश का संकल्प भी मजबूत हुआ। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आयुर्वेद को दुनिया में और प्रचारित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के विकास को राष्ट्रीय मिशन बनाना चाहिए। डॉक्टर चंद्रा ने आयुर्विज्ञान के संस्थानों के मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया और आयुर्वेद को बेहद किफायती उपचार पद्धति करार दिया। One is to provide financial assistance to the farmers to grow more medical plants in at large scale, ensure standards of the raw material before it is gone to the pharmaceutical industry for Ayurvedic medicine making. Good. Number three, grant large scale budget for R&D to even to private sector in this area so that it could be further recognized with the proper research papers and everything. I commend the government to have made an aims at Badarpur with the Ayurvedic thing. They should be made center of excellence also. Thank you. And add nature cure and yoga also part of the medicine. इस नए बिल में गुजरात के जामनगर के 3 आयुर्वेद संस्थानों को विलय कर एक राष्ट्रीय संस्थान बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक के जरिए 3 आयुर्वेद संस्थानों को एक बड़े संस्थान में विलय किया जाएगा। इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद होगा। विलय होने वाले 3 संस्थान जामनगर के ही हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में राष्ट्रीय महत्व के 103 संस्थान हैं, लेकिन आयुर्वेद में कोई भी नहीं था। उन्होंने जामनगर संस्थान के चुनाव को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी दिया। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹4,000 crores प्रोजेक्ट अंडर द आत्मनिर्भर भारत फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड सप्लीमेंटिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। इट विल ऑल्सो एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल फॉर the Ayush sector. And right now Ayurveda and our Indian systems are appreciated and recognized by the World Health Organization also. गुजरात के जामनगर के संस्थान के संचालन के लिए राज्य और केंद्र सरकार की एक समिति बनाई जाएगी। आयुर्वेद में रिसर्च और नई संभावनाओं के लिहाज से ये विधेयक एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।